लड़कियों से चैट करना या किसी से भी चैट करना फर्स्ट स्टेप होता है उसे जानने के लिए। लेकिन जैसे ही तुम उससे बात करना शुरू करते हो ना, वो बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से उसे बातें करें। देखो, लड़कियों से जब बातें करते हो तो तुम शुरू कर देते हो स्टार्टिंग से ही उसे पैम्परिंग करना या फिर लड़कियों को एंटरटेन करना। देखो, तुम्हें उसे एंटरटेन नहीं करना है, तुम्हें उससे इंगेज रखना है। और एंगेज रखने के लिए, उसे अपने साथ कनेक्टेड रखने के लिए तुम्हें टेक्निक का यूज करना होगा, जिसे लूपिंग टेक्निक कहते हैं। ये लूपिंग टेक्निक क्या होता है, यानी कि एक बात खत्म होते ही दूसरी बात का शुरू हो जाना और दोनों बातों में इंटरकनेक्शन होना। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम ईस्ट और वेस्ट की बातें कर रहे हो। अब जिन लड़कों को ये टेक्निक पता होती है, लड़कियां उनसे घंटों तक चिपकी रहती हैं और इंटरेस्टिंग बातें भी करती हैं। लेकिन वही, तुम्हें ये सारी चीजें पता नहीं है, पर मैं हूँ, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो ये चीजें फाइंड आउट करनी है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए तो तुम्हें जानना पड़ेगा ना कि आखिर वो लड़की जो है किस चीज में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानो कि वो किस चीज में इंटरेस्ट रखती है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। जब तुम उसका इंटरेस्ट जान जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका मूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और तुम्हें बातें करने में और आसानी होगी। टॉपिक्स इजीली तुम्हारे माइंड में आएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी बातों को शुरू करूं और कौन से टॉपिक्स पे बात करूं। नंबर टू है कि उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करो, यानी उसके बारे में थोड़ा सा जानो कि आखिर वो कैसी लड़की है। ज़्यादा इमोशनल है, सेंटी हो जाती है, तो तुम इस चीज़ का थोड़ा सा तो फायदा उठाओ कि तुम उसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाओ। जब तुम उसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाओगे तो वो तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें शेयर करना शुरू कर देगी। ऑलवेज रिमेम्बर कि उसे पर्सनल टाइम में ही मैसेज करना है। इट मीन्स कि मॉर्निंग और इवनिंग और या फिर नाइट में, जब वो अकेली होती है या फिर ज़्यादा इंगेज कहीं और नहीं होती है, तो वो तुम्हें प्रॉपरली टाइम दे पाएगी और तुम उससे ज़्यादा देर तक बातें कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वालिटी टॉक। देखो, क्वालिटी टॉक अगर करोगे तो वो तुमसे ज़रूर इंटरेस्ट लेगी बात करने में। कि हमेशा फ्लर्ट ही मत करना, रोमांटिक बातें करने के साथ साथ ही तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें ये क्वालिटी नहीं है कि तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो कोई बंदा, यानी इट मीन्स कोई लड़की, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगी अपनी बातों को लेकर। जब कोई इंसान तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व कराता है ना, इट मीन्स अपनी बातों को शेयर करता है, तुम उसे कुछ डिसीजन देने में, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो डिसीजन मेकिंग वाली है, तुम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो उसे तुम्हारी आदत सी लग जाती है, वो तुम्हारे पास बार बार आएगी। नेक्स्ट है कि नॉलेजेबल बात करना और नोटिसेबल बात करना। अब अंकल जैसी बातें करना शुरू मत कर देना। देखो, वो चाहती है कि तुम उसे नॉली बात करो और लाइट वेटेड बात करो। इट नॉट मीन्स कि तुम शादी कब कर रही हो, शादी कब करोगे, बच्चे कब करोगे, या फिर वो पुरानी बातें जो सोसाइटी में चारों तरफ होती है, वो सारी चीज़ें मत किया करो। उतने भी आप उसको क्लोज, जो होता है ना कि क्लोज माइंडेड है या फिर नैरो माइंडेड है, तो वैसी इमेज अपने सामने, उसके सामने नहीं रखनी है। अपनी इमेज को तुम ओपन माइंडेड बनाओ कि जैसे कि वो कुछ भी तुम्हारे सामने बोले तो तुम उसको समझो और उसे गलत रिएक्शन मत देना। बिकॉज लड़के यही करते हैं कि वो बोलती है, लड़कियां चाहती है कि वो बातें शेयर करें, बट तुम जब उसे गलत समझ लेते हो या ना मिसअंडरस्टूड कर देते हो या कुछ ऐसा रिएक्शन दे देते हो, तो वो चुप हो जाती है और दोबारा तुम्हें अपनी कोई भी सीक्रेट्स या फिर चॉइस नहीं बताती और तुम्हारे सामने ओपन नहीं होती। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी के साथ लूप क्रिएट करना या इंगेज रखने के लिए कि तुम उसे खुद को हमेशा अवेलेबल शो ना करो। अपने आप को इतना खाली मत दिखाओ ना कि वो तुम्हें कहे कि मैं इसे रिप्लाई ना भी दूँ तो चलेगा, ये तो फिर बात करने ही वाला है, ये फिर मुझे तो मैसेज करते ही रहता है। अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। अपनी बातों को वैल्यूएबल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम उससे कुछ ऐसी बातें करो जो कि पूरी ना हो। इट मीन्स कि इंटरेस्टिंग है, बट तुम उसे कहो कि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, मैं बाद में इस टॉपिक पे बात करता हूँ। यानी कि इट मीन्स कि बातों को थोड़ा अधूरा रखना। अपने बारे में इतना भी नहीं बता देना कि उसका जो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए तुम्हारे में से। तो अपने आप को इंटरेस्टेड बनाए रखने के लिए थोड़े अपने आप को सीक्रेट बनाए रखना भी जरूरी होता है। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट कि देखो, तुम उससे चैट्स में बात करते हो ना, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि तुम उसे कॉल्स पे बात करो। देखो, जो वॉइस का इफेक्ट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। चैट में तुम्हारी इमोशंस क्या है या तुम्हारी आदत उसे बहुत देर से लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे बात करते हो, बात करने की आदत है, वॉइस कॉल
कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे, तो वो ज़्यादा जल्दी तुमसे इंगेज होगी। होप सो कि ये सारी टिप्स तुम्हें पसंद आए होंगे। और जी हाँ, अपने प्यार का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आप किससे बातें करना चाहते हैं, आपको किससे बातें करना सबसे ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना उसका नाम। थैंक यू सो मच।